गाइज ये हैं हाइपर ओएस के प्रीमियम विजेट्स जो कि आप किसी भी शाओमी फोन के अंदर अभी जो है फ्री में यूज कर सकते हो। इनको कैसे यूज करना है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और हाँ, इस बार जो ये विजेट्स है ना, ये आप पोको डिवाइस के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। पूरा प्रोसेस इस वीडियो के अंदर है, वीडियो को एंड तक देखना। अगर नहीं देखोगे ना तो भाई आपका नुकसान है, क्योंकि आप फिर बोलोगे कि हमारे लिए ये काम नहीं कर रहा। तो पूरा मेथड मैं शेयर करने वाला हूँ और इनको आप कस्टमाइज कर सकते हो काफ़ी इजिली, बिना रूट वगैरह के कुछ आपको यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। जस्ट वीडियो को देखते रहो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर सकते हो। और सबसे पहले आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो मेरा सिस्टम का लॉन्चर है। अब हम चलते हैं ऐप्स के अंदर और मैनेज ऐप्स के अंदर अभी आपको मैं चेक करवा देता हूं। जो लॉन्चर मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ये आप देख सकते हो, ये वर्जन है 4.39.14 और इसका रिव्यू मैंने अभी जो है डाल रखा है। तो देखो यहां पे आपको कुछ ऐसे विजेट्स देखने को मिल जाते हैं, आप इनको किसी भी होम स्क्रीन के ऊपर सेटअप कर सकते हो। लेकिन यहां पे ये इतने विजेट्स नहीं मिलते, यहां पे और भी मिलते हैं। देखो ये डॉग वाला आपको यहां पर काफी सारे एक्शंस करके दिखाएगा, उसके बाद ये कैट वाला आपको देखने को मिल जाता है। ऐसे ही क्लॉक के विजेट्स हैं यहां पे कुछ, और छोटे छोटे क्लॉक्स के विजेट्स मिलते हैं यहां पे आपको, वेदर के मिल जाते हैं यहां पे, क्लॉक है एक साइड में, कैलेंडर है, उसके बाद यहां पे जो है TWS वगैरह, वॉच वगैरह और डिवाइस का बैटरी बैकअप दिखाने के लिए आपको मिलता है। यहां पर भी वेदर का मिलेगा, ये आप चेकआउट कर सकते हो। ये सिक्योरिटी का सेम यहां पर बैटरी कंजप्शन दिखाएगा आपके स्मार्ट डिवाइसेस के लिए, तो आप कोई भी इनमें से चेकआउट कर सकते हो। और ऑलरेडी मैंने डेप्थ क्लॉक के ऊपर भी आपको विजेट्स का वीडियो कल दिया था, कल या फिर परसों, वो आप चेकआउट कर लेना भाई। उसमें तो डायनेमिक जो है डेप्थ इफेक्ट आपका वर्किंग है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। अब इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है, आपको ना मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर जाना है। बेसिकली डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर देखो ये एक तो पोको लॉन्चर का बैकअप आपको मिल जाता है, .bak फाइल है, इसको आपको डाउनलोड करना है। और दूसरी मैंने यहाँ पर सेव कर रखी है भाई MIUI के अंदर जाके, बैकअप के अंदर जाके, ऑल बैकअप्स में, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है 175 MB का है। और इसको आपको यहाँ पर जो है ना प्लेस कर देना है, अगर आपका Redmi या फिर Xiaomi फ़ोन है तो इस फोल्डर के अंदर जाके आपको प्लेस कर देना है। अगर आपको फोल्डर बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप सेटिंग के अंदर जाओ, माई डिवाइस पेज में जाओ और यहाँ पर बैकअप एंड रीस्टोर, उसके बाद मोबाइल डिवाइस, यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करना है और ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सबको अनटिक करना है। जो एप्स का ऑप्शन है ना, इसके अंदर जाके आपको जो है सिस्टम लॉन्चर का जो है बैकअप क्रिएट कर लेना है। अब जैसे ही आप बैकअप क्रिएट करोगे तो बैकएंड में आपको यहां पर ये फोल्डर देखने को मिल जाएगा, लाइक इस तरीके से आपका डेट वगैरह के साथ आ जाएगा। तो उस फोल्डर के अंदर जो भी आपका ये सिस्टम लॉन्चर का बैकअप होगा ना, इसको आप डिलीट कर देना और जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है उसको आप वहां पर प्लेस कर देना। और उसके बाद जो सेटिंग है उसके अंदर जाके आपको बैकअप को रिस्टोर कर देना है। अब देखो, अगर आपका जो फॉल्ट वाला लॉन्चर का बैकअप है ना, वो आप डिलीट करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा उसको आप जो है इंटरनल स्टोरेज के बाहर रखो। मे भी अगर आपको यहाँ से कुछ दिक्कत आ रही हो तो आप उसको बाद में रिस्टोर कर सकते हो मूव करके, और रिस्टोर करना काफ़ी ईजी है भाई, मैंने आपको वैसे बता दिया, बट मैं यहाँ से आपको प्रैक्टिकली चेक करवा देता हूँ। देखो मेरे पास बैकअप है अपना और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, मैं ये वाला आपको बैकअप रिस्टोर करके दिखा देता हूँ। ऐसे आपको रिस्टोर करना है और ये वाली जो क्लॉक्स है ये आप देखो, ये विजेट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो है कुछ ऐसा डायनेमिक इफेक्ट मिलेगा डेप्थ वाला, और इसके रिगार्डिंग वीडियो डेडिकेटेड चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हो। और ये आपके फ़ोन में वर्किंग हो या फिर नहीं वो आप मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर से बता देना भाई। पोको डिवाइसेस के लिए भी मैंने शेयर कर दिया है, तो उसको भी आप ज़रूर से चेकआउट कर सकते हो।